हेलो गाइस, तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम बस जस्ट उठे ही हैं। हमारी कैब आ गई है हमें पिकअप करने और यहाँ से शाइन भाई बार बार गेट पे खड़े ही हैं। चलो 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 कर रहे हैं। हे गाइस, तो अभी हम आ गया अपनी सेकंड डे की फर्स्ट लोकेशन पे। शाइन शाइन, क्या नाम है इस जगह का? ये है डाउनटाउन में विंग्स ऑफ मैक्सिको। विंग्स ऑफ मैक्सिको, ये सेकंड डे का फर्स्ट लोकेशन है। और ये हमारे कपल जी रेडी हो चुके हैं। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट लोकेशन फॉर टुडे, विंग्स ऑफ मैक्सिको इन डाउनटाउन दुबई। और यहाँ पर बेसिकली ये विंग्स हैं जिसके आगे हमें शूट करना है, और इसके ठीक पीछे दिखता है बहुत ही खूबसूरत सा बुर्ज खलीफा का व्यू। सो इट लुक्स अमेजिंग और बहुत ही प्यारा शूट होने वाला है। यहाँ पर दिखाते हैं कैसे। सो अभी हमने विंग्स ऑफ मैक्सिको था ना, वो विंग्स ऑफ मैक्सिको में शूट कर लिया है, और अभी हम उसके ठीक बैक साइड डाउनटाउन एरिया में बुर्ज खलीफा के बाहर कुछ फोटोज़ वगैरह शूट कर रहे हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है ये, तो हमें लगा कि इसे मिस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और सच में काफ़ी प्यारे शॉट्स आए मेरे यहाँ पर फ़ोटोज़ के और हमारे वीडियोज़ के भी, शाइन भाई के। शाइन भाई तो अभी भी लगे हुए हैं, हमने बस कर दी है। तो हमने अभी यहाँ से डाउनटाउन से पैकअप कर लिया है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया हमने, यहाँ एक्सपेक्टेड से ज़्यादा लगाया। अभी अराउंड आई गेस 9:18 हो रहे हैं दुबई के, और 10 बजे तक हमारा बुफे लगा हुआ है होटल पे, तो अभी हमें जल्दी जल्दी से होटल जाना है। ठीक है, और ये लुक एट दिस प्लेस। यहाँ पर मतलब हमने फ़ोन में, अपने आईफोन में फ़ोटोज़ करवाई थी, और मैं शेयर करूँगा क्या कमाल की पिक्चर्स आ रखी हैं इस पॉइंट पर। मुझे नहीं पता, कैमरा से हमने नहीं करी यहाँ, लेकिन हमने फ़ोन से करी थी, और क्या ही कमाल व्यू आ रहा था यहाँ से फ़ोन में। इट्स अ नाइस प्लेस, बहुत सुंदर जगह है। दुबई में आना है और ये विंग्स ऑफ मैक्सिको तो देखना ही पड़ेगा। तो कभी आओ तो यहाँ विज़िट करो, क्योंकि बुर्ज खलीफा का सबसे पास से सबसे बेस्ट व्यू यहीं से मिलता है। और हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर शूट करते टाइम। दूसरी भी कोई टीम आ गई थी, पता नहीं लोकल थे इंडियन थे कहाँ के थे, बट उन्होंने सिक्योरिटी को बुलाया कि ये हमें लोग टाइम नहीं दे रहे हैं, हम इंडियंस होते हैं ना थोड़ा सा डोमिनेटिंग, तो बट ऐसा सच कुछ हुआ नहीं, हमने टाइमली 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके छोड़ दिया था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बढ़िया है। अभी हम यहाँ से बैकअप कर रहे हैं, अब इसके बाद हम करेंगे कार के साथ शूट। रोड होती है डेजर्ट के बीच में, वहाँ पर नाम नहीं याद आ रहा, अभी वहाँ पहुँच के बता दूंगा। तो अभी हम अपने फर्स्ट लोकेशन से आज की आके रूम पे मतलब खाना वगैरह खा के सो गए थे। अभी हम काफ़ी लेट हैं अपनी सेकंड लोकेशन के लिए। शाइन और बाकी सभी लोग नीचे गाड़ी में वेट कर रहे हैं, और मैं लेट हूँ, अभी नीचे पहुँचते हैं, देन अपनी कार वाली लोकेशन पे जाते हैं। बाकी कुछ प्रॉब्लम ठीक है, लोकेशन पे जाते हैं, फिर मिलते हैं। चलो 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 चलो, हाँ यार, यहाँ सारी गाड़ियों के डोर स्लाइड ही खुलते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम आ गए हैं अपनी सेकंड डे की सेकंड लोकेशन पे। सामने देखो, रेड कॉर्वेट लिए है क्लाइंट ने, अभी इसके साथ करेंगे शूट। इसकी आवाज सुनो एक बार, ये है हमारा फिलहाल हाफ रोड डेजर्ट। और ये है मनदीप जी with red corvette. Okay.
तो हमने अभी अपना कार वाला शूट कर लिया था डन, जो हमारा था हाफ रोड डेजर्ट में। और अभी हम जो हमने गाड़ी रेंट की थी वो गाड़ी वापस करने आए हैं, और ये गाड़ी वाले भाई हमारे अभी सारे टेंट वेंट चेक कर रहे हैं अच्छे से। पहले ही बड़े सारे पैसे रखवा लेते हैं अपने पास, और उसके बाद एक एक छोटी से छोटी चीज़ चेक करते होते हैं, एक छोटा से छोटा स्क्रैच भी चेक करते हैं, फिर उसके बढ़िया वाले पैसे काट के आपको रिटर्न करते हैं आपका रिफंड। तो अभी हम ये गाड़ी वापस कर रहे हैं, और ये थी कॉर्वेट, और उसके बाद हम जाएंगे होटल। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लंच भी नहीं किया। मानो भाई भूख का क्या आलम है, गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी, पूछो मत, डस्ट से बुरा हाल हो गया, अभी तो स्विमिंग पूल में नहाना पड़ेगा। तो ये एक शॉप है स्मोकर्स सेंटर, यहाँ पे देखते हैं हम जाके वेप, अगर हमें बढ़िया लगते हैं हमारा लेने का मूड। अरे यहाँ तो हुक्का भी पड़े हैं बढ़िया बढ़िया यार, हुक्का शीशा। अरे ये हुक्का और इंडिया में बड़ा क्रेज है हुक्का का, हुक्का वालों के लिए तो जन्नत है ये जगह यार। जस्ट चेक दिस प्लेस, ओ भाई हर तरफ हुक्का हुक्का वेप। ये अभी हम दुबई मॉल के पास में ही हैं, दुबई मॉल वाली रोड पर ही हैं, और भाई क्या ही एक से एक मॉडल पड़ा है इनके पास। इंडिया में ऐसे मॉडल देखने को मिलते ही नहीं है हमें, और कितने ही फ्लेवर हैं। तो देखते हैं, मानो भाई क्या समझ में आ रहा है। आई वांट इलेक्ट्रॉनिक हुक्का ना, ये इग्नाइट जो हमारे डेन बिल्जेरियन है, वो जो लड़कियों को लेके घूमता रहता है, उसका ब्रांड है ये। इग्नाइट का लेना है क्या? सो जो ये सिंपल सा दिखने वाला हुक्का हमें दिख रहा है, बट ब्यूटीफुल है, लेकिन ठीक है। एंड दिस इज़ अबाउट 2100 दिरहम। 2100 मीन्स ये हुक्का अराउंड 45,000 रुपये का है भाई, मतलब इतना भी अच्छा नहीं दिखता 45,000। सो अभी हम बाहर आ गए हैं, एक्चुअली आना भाई ने लेना था बट मूड नहीं बना, और बाकी जो दूसरे हुक्के थे वो तो यार बड़े ही ज़्यादा महंगे थे, इतने ज़्यादा तो सुन के ही हम भाग जाएं। चलो खैर, आफ्टर ऑल इट्स दुबई अभी भी। अभी क्या हुआ है कि हम लोग टैक्सी करके आ गए थे, क्लाइंट हमारा घूमने निकल गया, शाइन भी घूमने निकल गया, मैं और माधव टैक्सी करके आ गए थे होटल, और हमारे पास कैश टू में पड़ा था। तो अभी एक फनी चीज़ हुई कि मतलब फनी क्या हुआ कि मुझे रूम पे लेने आने पड़ा कैश, और माधव भाई को किडनैप कर लिया गया गाड़ी में। अभी दिखाता हूँ, वो सिक्योरिटी बन के बैठे हुए गाड़ी में कि कहीं मतलब आज माधव भाई को मैंने गिरवी रखा है टैक्सी के कैश के लिए। तो ये है हमारी टैक्सी, और तो मानो भाई कैसा लग रहा है आपको आज थोड़ी देर के लिए गिरवी रखा जाके? मुझे तो मैं आपको गिरवी रख के गया था यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।